हर घड़ी सरकार का नाम अच्छा है। इश्क है प्यार मोहम्मद से ये काम अच्छा है, इसलिए उनकी गुलामी को किया मैंने कबूल। बादशाहों से कहीं उनका गुलाम अच्छा है। सुनो इस नज्म में ईमां का आतिफ दर्द भरता हूँ। हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ। मोहब्बत पेश करता हूँ। ताजा तरीन पेशकश इश्क़े बिलाल और फिरौन का जुल्म, आवाज है मोहम्मद आसिफ साबरी की, कलाम लिखा है आतिफ सैदपुरी ने, म्यूजिक से सजाया है प्रीतम जी ने, इसका वीडियो डायरेक्शन किया है एम आसिफ ने। सामईन, मेरी काफी दिनों से ये तमन्ना थी कि मैं आपको हजरत बिलाल और फिरौन का जुल्म सुनाऊं। लीजिए, आपकी खिदमत में हाजिर है इश्क़े बिलाल और फिरौन का जुल्म। सुनो तारीख के औराक पढ़ पढ़ कर सुनाता हूँ। बिलाल पाक कितना चाहते थे ये बताता हूँ। हबश के रहने वाले थे, खुदा के नेक बंदे थे। नबी का इश्क था दिल में के आशिक सच्चे पक्के थे। उमैया बिन खलफ के थे गुलाम और दुख उठाते थे। बड़ी ही मुश्किलों में जिंदगी अपनी बिताते थे। उमैया बिन खलफ था काफिरों मलून शैतान था। बड़ा बेदर्द था जालिम सितमगर एक इंसान था। उसे मालूम था ईमा बिलाले हबशी लाए हैं। नबी के इश्क के जलवे निगाहों में समाए हैं। मुसलमान होने के नाते उन्हें जालिम सताता था। बड़ी तकलीफ देता था, सितम हर वक्त ढाता था। कहा करता था तू इस्लाम लाने की सजा भी पा। मोहम्मद से मोहब्बत है तो फिर इसका मजा भी पा। बिलाले हबशी कहते थे हजारों जुल्म ढाले तू। बिलाले हबशी कहते थे हजारों जुल्म ढाले तू। बिलाले हबशी कहते थे हजारों जुल्म ढाले तू। मुसलमान मैं हूँ सच्चा, जितना चाहे आजमा ले तू।
के उनको कत्ल कर देने की खाता था कसम हर दिन कभी रखता था भूखा और प्यासा उस दीवाने को न देता पानी पीने को न देता खाना खाने को कभी आंखों से पट्टी बांध कर रखता था दिन दिन भर रखा करता था काली कोठरी में बंद भी अक्सर कभी हाथ और पांव बांध कर धक्के लगाता था उतरवा कर लिबास उनको कभी कोड़े लगाता था लगाता इस कदर कोड़े बुरा हर शख्स कहता था बदन जख्मों से होता चूर ऐसा खून बहता था बिलाले हबूशी सर से पांव तक खून में नहाते थे के होते शक्ल से बेशक्ल पहचाने न जाते थे उमैया इस तरह फिर कहर अपना उन पे ढाता था बदन पर जख्म जो होते नमक उन पर लगाता था बिलाले हबशी जख्मों पे आहे भर के रोते थे बिलाले हबशी जख्मों पे आहे भर के रोते थे गुजर जाती थी जब तकलीफ हद से होश खोते थे भी खींचता उनको घसीटा कर तजलती रेत पर वो बेवजह उनको पड़ा करते थे छाले इस सितम से आपके तन पर मगर रहता था इश्क़े मुस्तफा छाया हुआ मन पर कभी सब जिस्म दहका कर सलाखी दागता उनका किया करता था छलनी तन बदन सब बेवजह उनका जमाना देख कर उसके सितम आंसू बहाता था उमैया बिन खलफ ले किन्न उन पर तरस खाता था बिलाले हबूशी इन तकलीफों को बर्दाश्त करते थे मसाइब झेलते थे रात और दिन आहें भरते थे बनाए वक्त ने हालात ऐसे क्या किया जाए रहे जिंदा बिलाले हबशी तो कैसे रहा जाए तमाशा देखने वाले भी सब कहते थे अब हाय तमाशा देखने वाले भी सब कहते थे अब हाय तमाशा देखने वाले भी सब कहते थे अब हाय गुलामी से हुए आजाद या फिर मौत आ जाए सब तकलीफ सहते थे उमैया की खुदा को याद करते थे नबी से लौ लगाई थी नबी के इश्क का जादू चढ़ा था इस तरह सर पर के सारे जुल्म मैया के सहा करते थे हंस हंस कर किया था ऐसा मतवाला
थे ईमान नबी की चाह थी दिल में रहे साबित कदम हजरत बिलाल इस सख्त मुश्किल में। उमैया जितना कहता था कि अब भी बाज आओ तुम खुदा को भूल जाओ तुम नबी को भूल जाओ तुम खुदाओ मुस्तफा का नाम लेना छोड़ दो अब भी हमारी मान लो ईमान से रिश्ता तोड़ दो अब भी। अगर तुम बाज आ जाओगे हाँ इस नित नए दी से तो हम आजाद कर देंगे तुम्हें मालो मता देंगे। बिलाले हबशी बोले दम यूं ही घुट घुट के तोड़ू मगर नामे खुदा ओ मुस्तफा लेना न छोड़ूंगा। लुकनत जबा में गम नहीं मुझको नबी के नाम लेने को जबा ये कम नहीं मुझको। रहेगी सांस जब तक मुझ में बाकी नाम लूंगा मैं के उन पर अंग अंग इस जिस्म का कुर्बान करूंगा मैं। रखा करता इसी हालत में जालिम नेक बंदे को खुदा के कहर का कुछ डर न था शैतान अंधे को। कमर कस ली थी जुल्मों पर तकब्बुर था बड़ा उसको नशा दुनिया के जाहो हश्म का रहता चढ़ा उसको। बिलाले हबूशी को देखा किसी हमदर्द ने जिस दम तो जाकर कह दिया सिद्दीक अकबर से बिलाली गम। सिसक कर रह गए वो और दिया अंजाम काम अपना कहा जाकर उमैया से के बेचोगे गुलाम अपना। उमैया ने वो कीमत रखी कोई ले नहीं पाए सिद्दीक अकबर दे के कीमत साथ ले आए। मगर सिद्दीक अकबर दे के कीमत साथ ले आए। मगर सिद्दीक अकबर दे के कीमत साथ ले आए। को दरबार रहमत में सलामी पेश की दोनों ने शाहे दी की खिदमत में। बिलाले हबूश कदमों में गिरे सरकार के रोकर फिराया दस्त शफकत मुस्तफा ने उन पे खुश होकर। कहा तुम तो बड़े साबित कदम ईमान वाले हो उठाकर मुश्किलें लाए हो ईमान शान वाले हो। खुदाए पाक तुमको अजर देगा दुख उठाए हैं कि तुमने नाम अपने ऐश जन्नत के कराए हैं। निकालो दिल से गम सारे रहो अब शाद कामी में लिया बस आज से मैंने तुम्हें अपनी गुलाम
मुअज्जिन पांच वक्तों के कहा रो कर बिलाले हबशी ने पढ़ पाऊंगा कैसे तुम्हारा नाम लेने से मुझे रोका गया यूं भी दबा मेरी जला डाली के लुकनत अब भी है बाकी अजा के अल्फाज अदा अपनी जबां से कर न पाऊंगा हजरत बिलाल अब तो मुअज्जिन बन गए ऐसे के पांचों वक्त पढ़ते थे अजा सरकार के आगे हुआ करते थे मिंबर पर मोहम्मद सामने उनके बिलाल उनका किया करते थे दीदार और अजा पढ़ते यूं ही हर वक्त अजाने गूंजती थी तैबा के अंदर नमाजें पढ़ते थे गाजी नमाजी शाद हो कर यूं ही दिन कट रहे थे इन सभी अल्लाह वालों के मिसाली बन रहे थे कारनामे बेमिसालों के यकायक एक दिन हजरत उमर को ये ख्याल आया बिलाले हबूशी पढ़ते हैं अजा दिल में मलाल आया जबा में उनकी लुकनत है सही से पढ़ नहीं पाते सही अल्फाज अदा हो ते नहीं एक वक्त भी उनसे अजाने देने वाले जब बशर मौजूद है पढ़ें वो ही अजा आके जिसका अदा हर लफ्ज हो अच्छा उमर की बात सुनकर भर गए एक आह ये आशिक गए घर रात भर रोते रहे वल्लाह ये आशिक बहाए अश्क यूं अफलाक पर पहुंची सदा उनकी खुदाए पाक को बेहद पसंद आई अदा उनकी हुआ ऐसा करिश्मा थम गई उस रात की घड़ियां परेशान हो गए सब सोते सोते दिन नहीं निकला बिलाखिर पहुंचे सब खिदमत में आका की कहा आका के ढलती क्यों नहीं ये रात सूरज क्यों नहीं उगता कहा सरकार ने मुझको फरिश्ते ने खबर दी है नमूदार इसलिए रब ने न इस शब की सहर की है बिलाले हबश जब तक के नहीं देंगे अजा सुन लो रहेगा रात का छाया हुआ यूं ही समा सुन लो
दिन आकर अजाने फजर पढ़वाओ बिलाले हबूशी से जाकर। बिलाले हबूशी की देखो खुदाओ मुस्तफा के सच्चे आशिक हैं यही देखो। किया करते हैं सब लोग एहतराम उनका मदीने में, नजर से देखा था सब ने मकाम उनका मदीने में। किया जिस दम जहां से पर्दा सरकारे दो आलम ने, तो घेरा एकदम सरकार के अशाक को गम ने। बिलाले हबूशी भी दागे जुदाई सह नहीं पाए, मदीना छोड़कर शहरे हलब में रहने को आए। यहीं रहते रहे काफी दिनों तक फिर समा बदला, नबी एक रोज आए ख्वाब में और उनसे फरमाया, कहो तू भूल बैठे मिलना झुलना हमसे दीवाने, मदीना छोड़कर क्यों बस गए हो इस जगह आके। जो देखा पाप में उनको बिलाले हबशी मुस्काए, जो देखा पाप में उनको बिलाले हबशी मुस्काए। हलब से चल दिए उठते ही शहरे तैयबा आए, हलब से चल दिए उठते ही शहरे तैयबा आए, हलब से चल दिए उठते ही शहरे तैयबा आए। सरकारे दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद हजरत बिलाल मदीना छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन आप सो रहे थे कि सरकार ने ख्वाब में बशारत दी कि बिलाल हमसे मिलना जुलना क्यों छोड़ बैठे हो। हजरत बिलाल फिर मदीने आते हैं, लोग कहते हैं कि फिर से वही अज़ान सुना दीजिए। हजरत बिलाल मना करते हैं कि मेरे आका मेरे सामने नहीं होंगे तो मैं अज़ान पढ़ नहीं पाऊंगा। शब्बीर व शब्बर इमाम हुसैन अली मकाम हजरत हसन को बुलाया जाता है, आप कहते हैं कि अज़ा पढ़ दीजिए। हजरत बिलाल जब अज़ा पढ़ते हैं, अज़ा में जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, हजरत बिलाल की रूह परवाज कर जाती है। आखिरी बंद समाप्त फरमाएं सामईन। बिलाबुशी को देखा तो खुश होने लगे सारे, नजर आने लगे सब को वो पहले वाले नजारे। कहा सबने दिखा दो फिर हमें पिछले जमानों को, तरसते हैं हमारे कान अब भी उन अजानों को। बिलाले हबूशी ने इनकार फरमाया के गम होगा, नबी होंगे नहीं वक्ते अजा मुझको अलम होगा। गए हसनैन की खिदमत में फिर सब हुक्म फरमा दो, बिलाले हबूशी से हमको अजान की बार सुनवा दो। कहा जब शब्बरो शब्बीर ने तो हो गए राजी, हुआ जिस दम अजा का वक्त अजारो कर शुरू कर दी। मची चीखो पुकाराया सभी को याद वो मंजर, अजा पढ़ते थे हबशी और नबी होते थे मिंबर पर। पढ़ा जब अशहदो अन्ना मुहम्मद
में फिर वो जज्बा ईमान पैदा कर।